तो पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद अब एग्जिट पोल्स की बारी, और मध्य प्रदेश की बात हम कर रहे हैं इस वक्त। आपको दिखाएं कुल सीट 230, यहां आंकड़े क्या कहते हैं। मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनी? बीजेपी 108, तो ये बीजेपी की स्थिति बता रही है एग्जिट पोल में, जबकि कांग्रेस 122। ये एबीपी न्यूज के अनुसार ये हम दिखा रहे हैं आपको, कांग्रेस 122 सीटों पर यहां जीत दर्ज कर सकती है। तो यहां भी मध्य प्रदेश में भी जो स्थिति है वो कांग्रेस लीड लेती हुई दिख रही है एग्जिट पोल्स के मुताबिक। ये आंकड़े आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में 230 में से अब 116 की जरूरत होगी सरकार बनाने के लिए, लेकिन उस आंकड़े को पार करती हुई कांग्रेस दिख रही है एग्जिट पोल्स के अनुसार, जबकि बीजेपी यहां पिछड़ती हुई दिख रही है। यानी 15 साल का बीजेपी का शासन यहां खत्म हो सकता है, ये बात तय होगी 11 दिसंबर को जब रिजल्ट आएंगे, लेकिन उससे पहले ये आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं। आखिर इस तरह के आंकड़े कैसे आ रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में भी ओपिनियन पोल जो आपको हमने दिखाए उसमें बीजेपी को पीछे दिखाया गया, जबकि कांग्रेस को बढ़त दिखाई गई थी। और ये इस वक्त मध्य प्रदेश का एग्जिट पोल एबीपी न्यूज के मुताबिक, कांग्रेस 122 सीटों पर जबकि बीजेपी 108 सीटों पर। तो ये आंकड़े, और अभी देखिए कि इससे भी बहुत कुछ असर पड़ेगा, क्योंकि ये सारी जो स्थिति है ये 2019 के तरफ भी इशारा कर रही है, क्योंकि इसे संसद का सेमीफाइनल बताया गया, और संसद के सेमीफाइनल का क्या नतीजा आता है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार का अनुमान सर्वे के अनुसार, टाइम्स नाउ के एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार बन सकती है। ये राजस्थान में कांग्रेस को 105 सीटें, टाइम्स नाउ के अनुसार हम आपको बता रहे हैं 199 सीटों पर मतदान हुआ, कुल 200 सीटें। राजस्थान में बीजेपी को मात्र 85 सीटें बताई गई हैं, तो ये टाइम्स नाउ के अनुसार। और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी, ये सर्वे के मुताबिक कहा जा रहा है। टाइम्स नाउ के सर्वे में बीजेपी की सरकार बनती हुई बताया गया है, इंडिया टुडे के सर्वे में कांग्रेस बीजेपी में कांटे की टक्कर बताया गया है। तो ये अलग अलग सर्वे, अलग अलग पोल्स। छत्तीसगढ़ में फिर से रमन सिंह की सरकार बन सकती है ये सर्वे के मुताबिक, इंडिया टीवी के सर्वे में बीजेपी को पूर्ण बहुमत यहां बताया गया है, अनुमान लगाया गया। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को लीड लेता हुआ दिखाया गया है, 42 से 50 सीटें उन्हें मिलेंगी। और तेलंगाना में फिर से केसीआर की वापसी होगी एग्जिट पोल्स के मुताबिक, ये बड़ी खबर इस वक्त। टाइम्स नाउ के मुताबिक टीआरएस को 66 सीटें मिल सकती हैं, तेलंगाना में कांग्रेस को 37 सीटों का अनुमान बताया टाइम्स नाउ ने, जबकि तेलंगाना में बीजेपी को सिर्फ 7 सीटें टाइम्स नाउ के अनुसार जो अनुमान लगाया गया। अभी फिलहाल 5 सीटें हैं उसके पास, जबकि केसीआर की सरकार है, ये फिर से सरकार आ सकती है। केसीआर के साथ एआईएमआईएम का गठबंधन है। और इधर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार का अनुमान जताया गया है सर्वे के मुताबिक, ये बड़ी खबर इस वक्त देख रहे हैं आप हिंदुस्तान पर। महा एग्जिट पोल के अंतर्गत हम अलग अलग ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल्स के सर्वे के नतीजे बता रहे हैं। तेलंगाना में फिर से केसीआर की सरकार बन सकती है, टीआरएस को 66 सीटों का अनुमान टाइम्स नाउ के मुताबिक बताया गया है सर्वे में। तेलंगाना में कांग्रेस को 37 सीटों का अनुमान बताया है टाइम्स नाउ ने।